उदयपुर से नवरतन खोखावत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई देसाई एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्रीमान हेम सिंह जी शेखावत के निर्देशानुसार संगठन समन्वयकों की नियुक्ति की गई, जिसमें उदयपुर संभाग प्रभारी श्री अनुकूल जी शर्मा व श्री महेश जी त्रिपाठी श्री जगदीश जी गोद्रा को नियुक्त किया गया। कांग्रेस सेवा दल से प्रदेश अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष और अभी जो ये नवनियुक्त कार्यशालाएं चल रही है हमारे पूरे राजस्थान में, नवनियुक्त लोगों को जोड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, ब्लॉकों में जाएंगे, हर विधानसभा में दो ब्लॉक होते हैं, सभी कार्यकारिणी जमीनी स्तर से ऊपर तक कार्यकारिणी नए लोगों को बनाएंगे, युवाओं को ज़्यादा जोर दिया जाएगा और लोग सदस्य बने, अपनी भागीदारी निभाए और काम करें सेवा दल में। जगदीश गोदारा, प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल यंग ब्रिगेड राजस्थान। सर आज का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई व हमारे राजस्थान के ऊर्जावान अध्यक्ष एम सिंह जी शेखावत के दिशा निर्देशानुसार हम आज उदयपुर में सेवा दल की पुनर्गठन के लिए बैठक रखी गई। इस बैठक में हम नई कार्यकारिणी, नए जोश से सेवा दल तैयार करना चाहते हैं। ग्राम स्तर से हर गांव से कार्यकर्ता जोड़कर और नई सेवा दल तैयार करके और नए जोश से काम करेंगे। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से है और शहरी क्षेत्र से या सिर्फ ग्रामीण से है? नहीं, शहर और ग्रामीण दोनों जगह। सर आज क्या प्रक्रिया रहेगी? आज हम जो इच्छुक हैं उनके नाम लेंगे हम और उस पर जो एक्टिव कार्यकर्ता है, जो काम कर रहा है, जिसकी एनजीओ है वगैरह, जो भी काम करने वाले व्यक्ति को लेके और नए सिर से काम, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। और हम अब यूथ ब्रिगेड जो हम हैं, जो इसमें हम खेल से जुड़े हुए युवाओं को जोड़कर और गांव स्तर, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक से हम जिले की जो खेल कूद की प्रतियोगिताएँ आयोजन करवाएंगे, जो एक शाम शहीदों के नाम, इस तरह के जो इवेंट करवा कर और नए नए कार्यकर्ता उसमें जोड़कर और हम काम करेंगे। धन्यवाद सर। आज सेवा दल का जिले का यहाँ कार्यक्रम है, उसमें एक्सरसाइज हो रही है कि जो काम करना चाहते हैं सेवा दल में काम करना चाहते हैं वो सही अपना गठन करें। एक पहल की है इन्होंने, बात की है कि सेवा दल का गठन प्रदेश में अच्छा यूथ का, यूथ के सदस्य भी आए हुए हैं और हमारे महेश त्रिपाठी से बात कर पा रही थी, राजेंद्र जी थोड़े सेवा दल से ये सब मिल के और एक्सरसाइज करेंगे, तो जो लोग वाइज लोग मिलेंगे, यहाँ के लोग मिलेंगे, मिल के एक नया अच्छे मजबूत संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह मुझे यहाँ आने का मिला, कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मौका मिला। आने वाले समय में सेवा दल एक मजबूती से प्रदेश में और देश में काम करेगा। सेवा दल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत पुराना पुराना संगठन और बहुत ही आपात स्थिति में हो जाए ऐसी स्थिति में काम करने वाला संगठन है। इसमें काम करने वाले कार्यकर्ता हमेशा निस्वार्थ भाव से बिना किसी राजनीतिक लाभ प्राप्त किए काम करते हैं, मानव सेवा के नाम से काम करते हैं। निश्चित तौर पे एक अच्छा संगठन खड़ा होगा ऐसा अच्छा है। कार्यकर्ता जिस उत्साह से यहाँ आए हैं निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा कि अच्छे कार्यकर्ता संभव होगा। धन्यवाद सर। कार्यक्रम सेवा दल का है और जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूरे इनके संगठन के, मैं तो सेवा दल का नहीं हूँ लेकिन सभी मुझे याद किया, मैं आया हूँ जय के लिए। प्रदेश के आपके पदाधिकारी आए हुए, यूथ के जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए, प्रदेश के महिला अध्यक्ष हैं शायद सभी, हमारे गोपाल जी और सब हमारे सेवा दल करबट सभी यहाँ पदाधिकारी।
अभी इसमें थोड़ा मॉडल चेंज किया है, जो यूथ कांग्रेस में ये लोग कर रहे हैं संगठन में, एक विधानसभा है और विधानसभा में दो ब्लॉक है, तो उस आधार पर सेवा दल की यूथ कांग्रेस की तरफ में एक विधानसभा अध्यक्ष और दो ब्लॉक अध्यक्ष हर विधानसभा स्तर पर वो उसकी नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसी के लेके आई थिंक इंटरव्यूज हो रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, अच्छा है। और अच्छी बात है कि बहुत सारे युवा भी गुजरात सेवा दल बढ़ रहा है, तो अच्छे संकेत पार्टी के, और मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सेवा दल से जुड़े, सेवा दल का बहुत लंबा इतिहास है, हनीगढ़ से लेके पच्चीस से राजीव गांधी जी इसको प्रमोट करते थे, मेरे स्वयं के पिताजी स्वर्ग जी कटारा प्रदेश के अध्यक्ष थे, आप सब लोगों के सब सब काम किया है पदाधिकारी ने, और मुझे बहुत गौरव होता है जब मैं मेरे फादर का जो संगठन है उसमें मुझे भी याद करते तो मैं भी हौसला अफजाई के लिए और कभी भी मदद करे संगठन को मैं तैयार रहता हूँ, और आज भी मैं तो याद किया तो मैं आया हूँ, और मैं तो शुभकामना देता हूँ कि सेवा दल अच्छा काम कर रही है, और इसी तरह से अभी खास तौर से अभी कोविड के समय इस तरह से सेवा दल ने काम किया है, मैं शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में मुश्किल घड़ी में, और जिस तरह से आज देश में जो हालात बने हुए हैं कोविड के, और जिस तरह से इकोनॉमी के जो हालत बने हुए हैं, आज GDP की दर बहुत नीचे है, आज महंगाई चरम पे है, और आज पेट्रोल डीजल के दाम आपको पता ही है, पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, डीजल 100 रुपये हो गया, गैस की टंकी 866 रुपये है, और जो महंगाई बेकदर पूरे देश में बढ़ी हुई है, और जिस तरह से आम जनता की कमर टूट गई है, तो सेवा दल के कार्यकर्ताओं को यही यही कहना चाहता हूँ, यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोग गली मोहल्लों में जाके बाढ़ गलियों में जाके इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में उसके जो भ्रामक जो बातें हैं और जो उनकी जो गलत पॉलिसी है उसके बारे में आप जाके आप लोग को बताएं, ताकि आप जिनका उसके बारे में जान के आने वाले चुनाव में इस छोटी सरकार को उठा के फिर से कांग्रेस की सरकार बनाए, ताकि आम जन को राहत मिल सके।